नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। हमारे साथ प्रिया जो है वो जुड़ जी गई हैं, जो इस वक्त ठाणे से हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रिया, मैं जानना चाहूंगा पूरी घटना क्या थी और अब इस मामले में आप क्या कार्रवाई चाहते हैं। घटना तो मैं बता चुकी हूँ बहुत बार सर। आई कैन नॉट एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन सर। ओके, मुझे ये बताइए कि इस मामले में अश्वजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, ये रिलेशन कैसे आप लोगों का डेवलप हुआ और उसके बाद अब वो डिनाई कर रहे हैं कई सारी चीजों को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? सर वो डिनाई तो कर रहा है, वो तो बिल्कुल ही झूठ है। हम 4.5 साल से साथ में थे और आई हैव ऑल द एविडेंस प्रूफ। एवरीबडी नोज योर लाइक वेयर वी स्टे, नॉट ओनली इन द लोकेलिटी, लाइक एवरीबडी नोज दैट वी वर टुगेदर फॉर मेनी इयर्स एंड ही वाज ट्रीटिंग मी एज हिज वाइफ। वी वर एंगेज्ड, आई हैव ऑल द प्रूफ एंड एवरीथिंग, एवरीबडी नोज सर। तो डिनाई तो अभी उसके पास कुछ है नहीं करने के लिए सर। उसके पास मेरे ऊपर एलिगेशन या मेरी कोई फॉल्ट मिली नहीं उसको, तो वो कर रहा है, आई डोंट नो इन्फ्लुएंस होके कर रहा है या क्या कर रहा है, बट नहीं, नहीं लेकिन उसका पता ये सर। कहना है कि उसने कोई इस तरह की एक्सीडेंट जो है वो नहीं किया, इस तरह की वो तमाम बातें कर रहा है सुजीत। तो ऐसे में जब आप कह रही हैं कि सारे सबूत आपके पास है, तो फिर वो इन सब चीजों को सर डिनाई क्यों मेरे कर रहा पास है? तो सारे सबूत हैं, आप लोग बैक टू बैक, मैंने आपको आई थिंक पहले भी स्टेटमेंट दिया है और 4-5 दिनों से मैं स्टेटमेंट ही दे जा रही हूँ, आई मीन मीडिया को इंटरव्यू दिए जा रही हूँ। तो नाउ आई एम टायर्ड, लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू नो द गवर्नमेंट एंड द पुलिस एंड ऑल। मैंने सब कुछ दिया है एंड एवरीबडी नोज दैट आई एम रियल एंड आई एम लाइक यू नो आई एम नॉट इन फॉल्ट। एवरीबडी नो, इवन द कॉप्स आर कमिंग एंड टेलिंग मी आई नो कि आप राइट हो, ये है, वी आर सर्चिंग फॉर द एविडेंस, ये वो। तो मैं बोल रही हूँ कि सर एविडेंस का तो सेकेंड पार्ट है ना, पहले तो आपने देख रहे हो कि मेरे साथ हुआ क्या। मैं आपको बता रही हूँ जो एविडेंस दिया था उतना तो दिया ही हुआ है। तो आप किसी को नॉर्मली कभी हिट भी करते हो, मारते भी हो, तो सबसे पहले 307 लगता है। 10 दिन से मैं सिर्फ उनसे 307 ही लगाने बोल रही हूँ। रिलेशनशिप वाला वो सब तो सेकंड पार्ट है, वो तो अभी तक मैंने डाला ही नहीं। इतने लोग हैं, वो यहाँ वहां से बोल रहा है, एलिगेशन डाल रहा है, आई वाज नेवर विथ हर इन अ रिलेशनशिप एंड ऑल दैट, वो मेरा सेकंड पार्ट है। मेरा फर्स्ट फोकस है कि 30, वेयर इज 307? क्योंकि मैं आज 10, 11वां दिन है मैं ये सफर कर रही हूँ। कल मुझे मालूम पड़ा मेरे बैक में भी फ्रैक्चर है, स्पाइन में, एंड देर इज वन बिग ब्लड क्लॉट विच इज आई एम गोइंग टू ऑपरेट टूडे। सो राइट नाउ आई एम लूजिंग ऑल माई होप्स, लाइक मेरे को मेंटली बिल्कुल भी और स्टेबल फील नहीं हो रहा है। काफी नेगेटिविटी भी चल रही है जस्ट बिकॉज आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी वन। आई एम आंसरेबल बट मैं अपनी हेल्थ देखूँ या मैं बैक टू बैक इंटरव्यूज दूँ, एंड आई एम वेरी अपसेट कि उनको बेल मिल गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, अचानक से वो सरेंडर कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर उनको नेक्स्ट डे बेल मिल जाती है। और मैंने 307 बोला है, इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स आए हैं सर, आई डोंट नो वेयर इज, सबने मुझे प्रॉमिस किया बट आई डोंट नो सर 307 क्यों नहीं लगाया अभी तक। और मैं क्या ही बोलूं, मतलब मेरे होप्स खत्म हो रहे हैं। मैं बहुत बिलीव करती हूँ अपनी गवर्नमेंट में और अपने प्रधानमंत्री में एंड अपने पुलिस में, मैं बहुत सेफ फील करती थी अब तक। मैं बॉम्बे में रहती हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट यहाँ पर हूँ, आई ऑलवेज फेल्ट सेफ, बट दिस इज समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड सर मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ इन सारी चीजों को। नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द, क्योंकि जिस तरह से आप खुद बता रही है कि 10 दिन से आप एडमिट हैं और अब तो मल्टीपल इश्यूज जो है चल रहे हैं आपके साथ। थ्री सर जीरो सेवन की मल्टीपल मतलब आप मेरी बॉडी में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं बचा है। आई थिंक जस्ट माय लिप्स, जो मैं बात कर पा रही हूँ, आईज यू गाइस कैन सी, मेरे बॉडी में कोई भी पार्ट ही नहीं बचा है। जो पहले मुझे लगा था सिर्फ मेरे राइट लेग में रॉड डाला हुआ है, बोन्स टूटे हैं और ये सारे जो हैं ये लगे थे और यहाँ स्टमक में, फिर भी मतलब आई वाज फीलिंग कि चल ठीक है 6 मंथ 1 ईयर तक यू नो आई विल बी एबल। बट देन यस्टरडे आई गॉट टू नो कि मेरे स्पाइन में भी फ्रैक्चर है, एंड यू नो स्पाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, द मेन पार्ट ऑफ योर बॉडी। मतलब आई एम नॉट एबल टू स्लीप स्ट्रेट, आई एम नॉट एबल टू स्लीप दिस साइड दैट साइड, सो आई डोंट नो सर, आई डोंट डिजर्व ऑल दिस। सब एक रिलेशनशिप में रहने के लिए ये सब मिल रहा है, आई नेवर वॉन्टेड टू। मैं इतने दिन शांत थी, मैं कुछ इंटरव्यू भी नहीं दे रही हूँ, मैं अश्वजीत के अगेंस्ट अभी तक नहीं बोल रही हूँ बिकॉज आई वॉज इन लव विथ हिम। मुझे सिर्फ ये है कि उस बंदे को गिल्ट तक नहीं हुआ सर। मैंने 4-5 दिन तक कुछ पोस्ट नहीं किया, कुछ नहीं, बिकॉज आई वॉज
जेन्युइनली वेटिंग फॉर हिम टू कम, एटलीस्ट मेरे घर में किसी को फोन कर ले, फ्रेंड्स में किसी को फोन कर ले और गिल्ट मुझसे बात कर ले एक बार. बट मुझे नहीं पता था कि वो लोग 4 दिन से प्रिपेयर कर रहे हैं, सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं. लाइक आई एम सो इनोसेंट हियर सर. मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, आप जिस तरह से इमोशनल हो रही हैं, आपने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि ये हालात पैदा हो जाएंगे, एक रिलेशनशिप को नहीं लेकर ये स्थिति पैदा हो सर, जाएगी। वी वर वेरी गुड विथ ईच अदर एंड आई वाज हैप्पी विथ हिम सर. उसने मुझे अच्छे से भी रखा है, ऐसा नहीं है. मैंने 1% भी झूठ नहीं बोला है उसके उससे रिलेटेड. वो इन्फ्लुएंस हो गया है पूरे रिलेशनशिप में, उसके दोस्तों में या क्या मुझे नहीं पता सर. बट अभी वो इतने बड़े बड़े एलिगेशन डाल रहा है कि मैं आई एम नॉट सेइंग कि वो खुद डाल रहा है, ऑब्वियसली उसके फ्रेंड्स हैं, उसकी फैमिली है, उसके लॉयर हैं, मेरे पे डाल रहे कि मैं ये सब पैसे ऐंठने के लिए कर रही हूँ. सर हाउ इज इट पॉसिबल? कोई कोई करेगा क्या अपना जान? मैं तो मेरे ख्याल से मैं लकी, आई वाज लकी इनफ, भगवान ने मुझे बचा लिया, नहीं तो कोई करेगा क्या अपना खुद का? आई वर्क एज अ मॉडल इन्फ्लुएंसर, मैं मेरा पूरा करियर बर्बाद करके लूंगी क्या ये सब एलिगेशंस? पैसे सर, आई आई स्टे ऑन अ रेंटेड फ्लैट, मेरे पास ना खुद के नाम पे गाड़ी है ना घर है, कुछ नहीं है. हाउ कैन इट कैन बी ट्रू कि मैं पैसे ऐंठने के लिए कर रही हूँ ये सब चीजें? 5 साल के रिलेशनशिप में अगर मुझे लेनी होती है अश्वजी, दिस सुपर रिच सर, मैं कुछ भी उससे ले सकती थी. 5 साल में कुछ भी ले सकती थी उससे, अगर मेरा मेरा इंटेंशन मनी होता कि उसके साथ रहने का. मैं रोती क्यों? मैं क्यों ये सब तमाशे करती? बिल्कुल, आपकी बात जो आप बता रही हैं वो बिल्कुल जेन्युइन लग रही है, क्योंकि जिस तरह से आप रिलेशंस को लेकर ये तमाम बातें कर रही हैं। मैं जानना चाहता हूँ पुलिस से आप क्या अर्ज करना चाहती है, पुलिस का क्या रीजन क्या है, उनको दिख नहीं रहा कि इतनी ज्यादा चोटें आपको लगी है, उसके बावजूद भी तो पता नहीं लगाया उन्होंने, उनको समझ नहीं आ रहा कि पुलिस को ये पूरा केस। सर सब लोग बोल रहे हैं, जो ऑफिसर्स है वो भी मेरे साथ है, बेटा वी नो वी अंडरस्टैंड यू, वी अंडरस्टैंड यू, सब कुछ बोल रहे हैं कि हम लोग को पता है क्या है तेरे साथ, ये पैर टूटा है, तू ये सब हम लोग को पता है, तू क्या गो थ्रू कर रही है, तू तू रियल है, तू सच्ची, हम लोग को पता है. बट मैं सिर्फ बोल रही हूँ सब पता है ना, तो सिर्फ 307 तो डाल दो, बाकी सब छोड़ दो. मैं आगे वो अगर डालता है, वो अगर मेरे पे करेगा तो मैं भी ऑब्वियसली करूंगी. उसके आगे 376 भी लगता है सर, ये फेक रिलेशनशिप रखने का एंड देन प्रॉमिस ऑफ मैरिंग एंड देन झूठ बोलने का, चीटिंग करने का मैरिज पर्पज से. सर मेरे साथ 5 साल मैं उसके साथ रही हूँ, 5 साल आप लोगों को भी पता है क्या क्या केसेस बनते हैं सर. आई जस्ट डोंट वॉन्ट इट टू ऑल, मुझे नहीं करना ये सब चीजें. ये सब चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है और मुझे नहीं हो रहा सर अब मुझसे, क्योंकि 10-11 दिन सर मुझे एक कभी जिंदगी में कितनी सी चोट भी नहीं लगी है, मेरे बॉडी पे एक सिंगल मार्क भी नहीं था कभी, और मैं आज मेरी कोई भी पार्ट नहीं बचा हुआ है सर, नहीं हो रहा मुझसे. नहीं, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, और जिस तरह से आप बता रही हैं पूरी घटना, इसमें पुलिस की आपको लगता है सीधा सीधा लापरवाही है, कि वो आपको सिर्फ एश्योरेंस दे रही है और काम कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ बोले सर जा रही मैं है, और ऐसा नहीं जो बोलूंगी काम नहीं कर रही है, मुझे नहीं पता सर, क्योंकि मैंने नहीं इतने पुलिस इन सब चीजों के बारे में मुझे नहीं नॉलेज है. बट वो आते हैं मुझसे रीस्टेटमेंट लेते हैं, जाते हैं, मैं बार बार एक ही चीज नए नए लोगों को एक्सप्लेन करती रहती हूँ. मुझे डर लगता है कि कोई भी चीज यहाँ से उससे से हाँ का हूँ हो जाता है, हम का आप हो जाता है कभी कभी वो चीजें. ऑब्वियसली आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई एम 26 years old, आई एम नॉट दैट मेच्योर टू मैं रट्टा नहीं मार के रख सकती. बट मुझे डर लगता है ये चीज बार बार बोलने के लिए, सेम एक्सप्लेनेशन देने के लिए, पता नहीं कब कौन क्या लिख ले, कब क्या मेरे अगेंस्ट हो जाए सर. आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग एंड आई कांट सी एनीथिंग, बट आई एम नॉट हैप्पी विद एनीबडी राइट नाउ. आई एम नॉट, माई सोल इज नॉट सेटिस्फाइड, ऑल आई कैन से. बिल्कुल, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, जिस तरह से आप एक रिलेशनशिप में रहे, आपको आपका कहना है कि इसमें आपको सर धोखा मिला वो और इस बार तरह की बार साजिश मुझे, रची गई। मैं बार बार मुझे दिमाग में आ रहा है, मेरे मेरे मेरी और उसकी अच्छी मेमोरीज इतना सब होने के बावजूद भी मैं उसके बारे में गलत नहीं सोच रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी मेमोरीज को याद कर रही हूँ कि हाउ कैन समबडी टर्न टू बी लाइक दिस. जो लड़का कल तक मेरे लिए रोता था वो आज मुझे खत्म कर दिया सर. नहीं, आप उम्मीद मत छोड़िए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, हमारी भी ये बिल्कुल प्रार्थना है भगवान से कि आपको बिल्कुल ठीक करे, स्वस्थ करे। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अब जो सिचुएशन आपकी क्रिएट हुई है
उसमें जैसे आपकी बॉडी में काफी, आप खुद ही बता रहे हैं कि फ्रैक्चर्स भी हैं, स्पाइन का भी इशू है, तो उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रीटेबल नहीं है, ये ट्रीट हो जाएगा, डॉक्टर्स लगे हैं आपको, आई एम श्योर ट्रीटेबल है डॉक्टर्स भी आपको बट लुक देर आर आफ्टर कर लॉट ऑफ लेंगे प्रॉपरली। सर ट्रीटेबल है बट देर आर लॉट ऑफ टेंशन यू नो आई डोंट हैव मेडिक्लेम आई वाज द लाइक प्राइम मेंबर इन फैमिली हु वाज अर्निंग माय सिस्टर इज डूइंग यू नो व्हेन यू गेट हॉस्पिटलाइज्ड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू नो इतने सारे पैसे लग जाते हैं सर्जरी वगैरह में इतने सारे लाइक आई डोंट हैव मेडिक्लेम येट आई डोंट हैव अ फादर लाइक एवरीबॉडी माय ओनली माय सिस्टर इज डूइंग ऑल ऑफ दिस एंड शी इज रेटनिंग ही आर गोइंग टू द कोर्ट दिस एंड दैट सर इट इज जस्ट गिविंग मी अ मेंटल ट्रॉमा बहुत सारी प्रॉब्लम्स से मैं गुजरी नोबडी इज कमिंग एंड आस्किंग मी प्रिया डू यू नीड एनी फाइनेंशियल हेल्प डू यू नीड एनीथिंग नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट जस्ट क्या हुआ था क्या आधार आए चाहिए पुलिस की हेल्प मिल रही है कि नहीं ऐसे होता है क्या सर नहीं, सरकार से आप कुछ मांग करना चाहेंगे? पुलिस तो आपका कहना है कि काम कर रही है, लेकिन आपका ये कहना है कि 307 जो है वो नहीं लगाई जा रही है। सरकार से आप चाहेंगे, महाराष्ट्र सरकार से कुछ जो है वो अपनी अपनी मांग को दोहराना। सर मैं क्या बोलूं मुझे नहीं पता मैं अभी कुछ बोलूंगी वो गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा बट सर मुझे फाइनेंशियल क्रैशेस हो रहे हैं इतने सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स में अभी फिलहाल तो वो आई डोंट नो आई शुड से और नॉट बट राइट नाउ आई वांट जस्टिस आई बिलीव इन महाराष्ट्र सरकार एंड इंडिया सरकार सब में मैं बिलीव करती हूँ आई बीन फॉलोइंग सिंस वेरी लॉन्ग टू ऑल द कानून एंड अपने यहाँ का जस्टिस जो भी है मैं बहुत बिलीव करती हूँ मैं बहुत सेफ फील करती थी इंडिया में और बट सिर्फ जस्टिस मांगती हूँ मैं और कुछ नहीं मैं देखिए, ऑब्वियसली ये सारी बातें मैं भी दोहराने का मुझे भी कोई शौक नहीं है और ना मेरा मूड है, क्योंकि आप जिस तरह से ट्रॉमा से गुजर रही हैं वो आप ही बेहतर जानती हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ देखिए इस एंड पर आपके लिए न्याय की मांग कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये सरकार से मांग कर सकते हैं कि आपको न्याय मिले, आपकी बात बहुत लोगों तक पहुंचे। तो मैं आपसे सिर्फ जी इतना जानना चाहूंगा, आई नो आप पेन में भी हैं, मुझे ब्रीफ में अगर बता सकें कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना रिलेशन खराब हो गया, जो आपके लिए लड़का रोता था उसने आपकी जान लेने पर जो उतारू हो गया, ऐसा क्या हो गया था? सर ऐसा रिलेशनशिप ऐसा पता नहीं सर मुझे भी नहीं पता उस दिन मैं उस गई वहां पर जहां पर वो अपनी फैमिली उसने बोला फैमिली फंक्शन में अभी बता रहा है बट मुझे पता नहीं था सर अबाउट हिज मैरिज एंड ऑल आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट और मुझे रिलेशनशिप में आने के काफी टाइम बाद पता चला दैट ही इज मैरिड एंड ऑल और मुझे उसके बाद उसने बोला कि ये पापा ने कॉम्प्रोमाइज कराया था बहुत साल पहले जब मैं यंग था काफी 22-23 साल का ये रिश्ता मेरे बड़े भाई के लिए आया था वो बड़ा भाई भाग गया था घर छोड़ के तो मुझे करना पड़ा ये सब मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं हूँ आई डोंट लाइक हर एट ऑल जब ये जब मुझे पता चल गया अबाउट हिज मैरिज उसके बाद उसने मुझे ये सब चीजें बताई थी इवन उसके सारे दोस्तों ने बाहर जितने भी लोग हैं सब लोग यही बोलते हैं कि उसकी जबरदस्ती हुई है देन ही टोल्ड मी दैट वी आर सेपरेटेड हमारा डिवोर्स चल रहा है ये और मुझे कभी सर व्हाई आई वाज हैप्पी विद हिम बिकॉज़ उसने मुझे कभी इनसिक्योर फील नहीं कराया सर एक होता है ना लड़की इनसिक्योर फील करती है कुछ सही देखती बात है है, कुछ प्रूफ मिलता है तो लड़की नहीं रहती है लोग मुझे बोल रहे इतने साल रही और पता ही नहीं चला कैसी ऐसे कैसे हो सकता है सर क्योंकि मुझे जेन्युइनली नहीं पता चला क्योंकि वो बहुत ही ओपनली मेरे साथ हर जगह पूरे बॉम्बे में हम बाहर आउटिंग भी जाते थे घूमने फिरने वो ओपनली मेरे साथ रहता था सर ओपनली मेरे पास है एविडेंस इन सब चीजों के भी और हम ओपनली रहते थे रात रात कहीं भी पार्टी उसने मुझे कहीं भी छुपा के नहीं रखा था सर तो मुझे कभी ये चीज फील नहीं हुई इवन हम साथ में भी रहते थे आई नेवर सॉ हिज वाइफ लाइक हिज वाइफ कॉलिंग हिम कभी कुछ देखा ही नहीं है मैंने सर तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला कभी भी उस दिन रात को मेरी उससे बात हुई मैं दूसरे इवेंट अटेंड करने के लिए गई थी फिर उससे बात हुई तो उसने बोला कि हाँ मैं भी आने वाला हूँ वो इवेंट अटेंड करने फिर वो काफी लेट हो गया वो नहीं आया 2-2.5 बजे वो क्लब बंद हो गया जहाँ पे मैं ओपनिंग के लिए गई थी फिर मैंने उसको कॉल किया अरे अब कहाँ हो बिकॉज आई वॉज मिसिंग हिम जेनविनली मुझे नहीं पता ये क्या प्लानिंग प्लॉटिंग थी मैं उसको मिस कर रही थी और वो भी कर रहा था उसने भी मुझे बोला आई मिस यू आई लव यू उसने सामने से ही बोला था फिर मैं सिर्फ बोली ठीक है बहुत लेट हो मैंने उसका वेट किया 2:30 बजे तक तो वो नहीं आया फिर मैं उसको मिलने चली गई जहाँ पे वो लोकेशन पे था उसने मुझे बताया था कि वो किसी के संगीत में गया हुआ है तो मैं सिर्फ उसको मिलने चली गई तो वहां पर मैं गई तो मैंने देखा वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है मेरे साथ उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं तो मैं उस दिन गुस्से में नहीं थी उस दिन मैं सिर्फ हर्ट थी
मैं सिर्फ हर्ट थी सर, मैं गुस्से में नहीं थी उस दिन। फिर मैंने उसको बहुत, और अगर मुझे, मैं अगर मुझे ड्रामा करना था, वो जैसे एलिगेशन डाल रहा है प्रिया ड्रंक होके आई और उसने वहां पे तमाशा किया, सर अगर मुझे तमाशा करना होता तो मैं वहीं पर वो हॉल में, मैरिज हॉल जो भी था, वहीं करती लोगों के सामने। जब मैंने उसको देखा, 10 मिनट वेट किया, उसने मेरे साथ स्ट्रेंज बिहेव किया, मैं वहां से तुरंत निकल करके जो मेन गेट कॉर्नर में पार्किंग में जाके अकेले खड़े होकर रो रही थी, बिकॉज आई वॉज हर्ट। मेरे को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या मेरे साथ। देन आई वाज कॉलिंग हिम कि प्लीज बाहर आ जाओ, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है। वो नहीं आ रहा था क्योंकि उसके पास आंसर्स नहीं थे देने के लिए। दैट नाइट ही वाज विद हिज वाइफ। फिर वो नहीं आया, फिर उतने में उसने अपना ड्राइवर भेजा, उसने अपना ड्राइवर भेजा, तो उसका ड्राइवर मुझे बोला प्रिया जी आई है, इधर आओ आप जरा समझ के लो। मैंने बोला क्या समझ के लेना है, तो बोलता है कि नहीं आप आओ ना, मैं समझाता हूँ। मैं बोली मैं तुमसे क्यों बात करूंगी, मैं उससे बात करूंगी। तो उसकी उसकी गाड़ी खड़ी थी, उसने बोला इस गाड़ी में बैठो, उसकी कोई जो उसके पास बहुत सारी गाड़ियां, उसने अपने गाड़ी में, एक गाड़ी में स्कॉर्पियो में बैठने बोला। तो मैंने बोला नहीं मैं इस गाड़ी में क्यों बैठू, क्योंकि उस गाड़ी में उसके गार्ड्स ड्राइवर्स वो सब बैठते हैं, फॉलो जो करते हैं। मैंने बोला इस गाड़ी में क्यों बैठूंगी, हमेशा से मैं उसके जो प्रायोरिटी गाड़ी है उसमें बैठी हूँ। तो उस वहां पे तो उसने बोला इसमें बैठ जाओ, वो गया ड्राइवर चाबी लेकर आया, मैं उस गाड़ी में बैठी। मैं मुझे तमाशा करना होता तो मैं गाड़ी में क्यों बैठती। फिर ड्राइवर मुझे लेके गया बाहर थोड़ा आगे सर्विस रोड पर, वो लेकर गया, वहां पर हम रुके, मैं रोने लगी। मैं उसके ड्राइवर के भी बैक कर 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 रो रही थी कि सागर ये क्या है, क्या हो रहा है, मुझे बताओ। तो बोलता है समझो ना फैमिली आई। मैं बोली फैमिली कहाँ आई है, मैंने तो किसी को नहीं देखा, बिकॉज उसके मॉम डैड सिस्टर भाई बहन को तो मैंने देखा हुआ है। और वो मुझे बोलता था सबको पता है घर में, मम्मी तो आपके बारे में पूछती भी है, आप बहुत सुंदर लगती हो सबको घर में। मैं उसके भाइयों को भी मिली हूँ, कजिन को भी मिली हूँ। तो मैंने बोला नहीं फैमिली मेंबर का तो कोई नहीं था। तो उसका ड्राइवर बोलता है भाभी थी। मैं बोली भाभी तो मैं हूँ, कौन सी भाभी आते। बोला हाँ आप तो कोई ना समझो। मैं बोला कौन, तो बोलता है वाइफ। मैं बोली वाइफ तो मैं हूँ, मेरे साथ वो एज जी आप बता रही थी। हाँ। फिर उसके बाद उसने, उसके ड्राइवर ने मुझे बोला बैठो बैठो। मैंने बोला मुझे आपसे नहीं बात करनी, आप प्लीज कॉल करो। तो उसने मुझे, ड्राइवर ने 1.25 घंटा के आसपास गाड़ी में बैठा कर रखा। उतने में फिर मैंने अश्वजीत को बहुत कॉल किए, वो मुझे फोन पर चिल्ला रहा था निकल निकल चल। मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो ये सब क्यों कर रहा है। मैं सिर्फ उस दिन उससे बात करना चाहती थी, मैं सिर्फ उसको बैक कर रही थी कि प्लीज आओ मेरे से बात करो, आज मुझे आंसर चाहिए, उसके बाद खत्म करना है खत्म करो। बट क्योंकि इवन आई डोंट फील लाइक डूइंग कंटिन्यूइंग इट। बट अश्वजीत नहीं आया, 40 मिनट वेट किया, 40 मिनट बाद वो आया। जब उसने अपनी फैमिली वैमिली सबको भेज दिया घर पे दूसरी गाड़ी से वाइंड अप करके, वो आया अपने दोस्तों के साथ। और वो जैसे आया मैंने उसको हग किया, मैंने उसको बोला प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ मुझे आपसे बात करनी है। तो उसने बोला नहीं यहीं पे बात करो। वो कार के बाहर खड़ा था और मैं गाड़ी के अंदर बैठी पैर बांध के। उसके दोस्त भी आए, तो मैंने बोला उसके उसके दोस्त मुझे बेमतलब का हेट करते हैं फॉर नो रीजन। तो मैंने बोला नहीं मैं इनके सामने नहीं बात करूंगी, आप गाड़ी में बैठो, मैं अपने को आपसे अकेले बात करनी। फिर नहीं बैठा, मैंने उसको बहुत कन्विंस किया, सर आई थिंक आई टोल्ड हिम मोर देन 50-100 टाइम्स कि प्लीज गाड़ी में बैठो। मैं सिर्फ यही बोल रही थी बेबी प्लीज गाड़ी में बैठो, क्योंकि प्लीज, मैं उसको प्यार से कन्विंस कर रही थी कि गाड़ी में बैठो मैं आपसे बात करूंगी, मुझे इनके सामने। उतने में उसका दोस्त रोमिल आता है पाटिल, वो बोलता है चल चल बस हुआ निकल, अभी जो बात करनी है ना 4 दिन बाद बात करना, 4 दिन बाद। और वो अभी हम लोग नागपुर जा रहे हैं, 4 दिन बाद बात करना। आई डोंट नो उसने क्यों बोला, उसको पता था अश्वजीत गाड़ी में बैठेगा तो हम दोनों चले जाएंगे और 2-3 दिन हम कहीं स्टे कर लेंगे बाहर, ये वो कन्विंस हो जाएगा। उसके दोस्त का नेक्स्ट डे बर्थडे था 12 तारीख को, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीजन ही मस्ट बी टेलिंग मी टू गो कि उसका प्लान चौपट ना हो जाए बर्थडे बर्थडे का। सो दैट मैंने बहुत कन्विंस किया, नहीं सुना। फिर रोमिल ने मुझे गाली वाली देना शुरू की, रोमिल स्टार्टेड फर्स्ट, बहुत गंदी गंदी गाली धमकी देने लगा, तेको नंगी होने का शौक है रुक यहाँ पे सब। और तो किसी किसी पता नहीं किसको उसको फोन में लाने लगा, वो वहीं पर रुक इसको बताता हूँ इसको मरवाता हूँ ऐसे वैसे गंदी गंदी, बहुत गंदी गंदी गाली, सर आई एम नॉट कम्फर्टेबल वो सब चीजों के लिए। देन अश्वजीत ऑल्सो, मैंने सिर्फ अश्वजीत को तभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज कंट्रोल योर फ्रेंड्स, प्लीज कंट्रोल योर फ्रेंड्स, व्हाई ही हैज टू इंटरफेयर बिटवीन यू एंड मी। हमेशा से झगड़ा कभी भी रिलेशनशिप में हुआ है सर, तो उसके दोस्तों की वजह से हुआ, मेरा और उसका पर्सनल कभी कुछ था ही नहीं। हमेशा वो इंटरफेयर करते थे और वो उसको प्रोवोक करते थे, तू कौन है भाई, तू कौन है, ये कौन है, ये कैसे तेरे से ऐसे बात करती है। तो उस दिन भी वही सब चीजें,
वो लोग उसको प्रवोक कर रहे थे, वो उनको नहीं कंट्रोल कर रहा, वो मेरा मुंह बंद करा रहा है. देन ही गॉट वेरी एंग्री ऐसे. वो फिर मेरा हाथापाई होने लगी, उसने मेरा गला, अश्वजीत ने मेरा गला दबाया, मुझे बाइट किया है, जो कि पुलिस फोटो लेके गई थी डे वन से, अभी तक कहीं कुछ भी नहीं हुआ है, ये अभी भी मार्क्स है लाइट लाइट. सो मारपीट किया उसने, मेरा गला दबाया, गाले घुस दिया, बाल खींचे, रोमिन ने भी, उसने भी मुझे पुश किया. मतलब कोई फ्रेंड होता है तो वो छुड़ाने की कोशिश करता है, बट सही नहीं, वो बात और प्रवोक कर रहा था, उल्टा वो मेरा हाथ खींच रहा था. ये सारी चीजें हुई, उसके बाद सब भागने लगे सर, सब वहां से भागने लगे. एक गाड़ी में बैठ के सब पहले आगे भागे, दूसरी गाड़ी में डिफेंडर में बैठ के सब भागने लगे, और मेरा फोन और पर्स उसी गाड़ी में था, क्योंकि मैं उस गाड़ी में बैठ के इतने टाइम से वेट कर रही थी. तो ये सब भागने की कोशिश किए, तो मैं डिफेंडर खड़ी थी, मैं डिफेंडर के आगे गई, ऐसे रुकाने की कोशिश की मैंने, सो दैट एटलीस्ट मेरा फोन और पर्स इधर. मैं उतनी रात को सर्विस रोड से घर कैसे जाऊंगी, 3:30-4 बजे मैं घर कैसे जाऊंगी. मैंने अपना फोन लेने के लिए गाड़ी रुकाया, बिकॉज मैं सब कोशिश करके थक चुकी थी, वो नहीं सुन रहा था, वो नहीं रेडी था. आई डोंट नो ही इज हाई ऑन व्हाट, मुझे नहीं पता. बहुत कोशिश की, मैं गाड़ी के आगे गई, मैंने गाड़ी को ऐसे नॉक किया, बट उतने में उसने गाड़ी उड़ा दी, मुझे उड़ा दिया. और उसके बाद जाने के बाद टर्न मार के वो लोग रुके भी, 10-20 मीटर्स पे जाके वो लोग आगे रुके. दिस भी मैं रोड पे पड़ी हुई हूँ, अभी भी मैं उनको हाथ दिखा रही थी, बचाओ बचाओ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या है. फिर उन लोगों ने मुझे देखा, गिरे पड़े हुए, लेकिन सबके सब भाग गए सर. तो फिर आप कैसे अस्पताल तक कैसे पहुंची? उसके बाद सर्विस रोड था सर, रात का टाइम था, तो वहां पर रात को गाड़ियां आती नहीं है, जो भी होता है हाईवे से गाड़ियां पास होती है, तो एक दो ट्रक टेम्पो वाले जा रहे थे, बट मैं डरी हुई थी उनसे भी हेल्प लेने के लिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो नॉट सेफ राइट. तो मैंने ऐसे हाथ, मैं बोल नहीं पा रही थी, ऐसे हाथ दिखा रही थी, हाथ दिखा रही थी, मैं उठ बैठ नहीं पा रही थी, क्योंकि मैंने अपना पैर देख लिया, मेरा पैर ऐसे लटका हुआ था सर, राइट वाला झूल रहा था. तो ट्रक वाले 2-3 रुके, बट फिर चले गए. मैं एकदम सेंटर में थी, मतलब मेरे को देख के गाड़ी यू टर्न करके लोग चले जा रहे थे, क्योंकि बड़ी बड़ी ट्रक पास नहीं हो पा रही थी, बट कोई हेल्प नहीं किया. उतने में एक लड़का आया स्कूटी पे, लड़का था, ही वॉज वेरी एजुकेटेड गाय, ही केम एंड उसने पूछा व्हाट हैपेंड व्हाट हैपेंड. तो मैंने उसको बताया माय बॉयफ्रेंड डिड दिस टू मी, प्लीज टेक मी टू द हॉस्पिटल अदरवाइज आई डाई. वो बोला नहीं नहीं उसको मैंने, क्योंकि जब तक वो पुलिस को कॉल कर रहा था एम्बुलेंस को, तब तक आधा घंटा 40 मिनट का प्रोसेस टाइम हो गया, क्योंकि बट ही वाज कीप टॉकिंग टू मी, वो मेरे से बात कर रहा था, तो दैट मैं बेहोश ना हूं, मैं उसको पूरी स्टोरी बता रही थी. उतने में उधर हाईवे से गाड़ी आती है, और उसका ड्राइवर और शिवा उसका बॉडीगार्ड, वो दोनों आते हैं मुझे देखने के लिए आते हैं, मैं पड़ी हूँ या जिंदा हूँ या वॉट एवर. तो जब वो लोग आते हैं, तो ये लड़के को मैंने गाड़ी देख ली कि वो लोग आ रहे हैं, तो मैंने उस लड़के को बोला, स्कूटी वाले लड़के को, कि देखो दिस इज द कार, प्लीज स्टॉप देम, प्लीज स्टॉप देम. वो लड़का भाग के जाके उनको बुला के लगा स्टॉप किया. अगर मैंने गाड़ी नहीं देखी होती तो शायद वो वापस भाग जाते. ऑब्वियसली अगर उनका इंटेंशनली पहले भागने का नहीं होता, करेक्ट, पहले भी तो वो सही भागे ही ना. फिर बात वो वापस आए, तो वो लड़के ने आवाज देख करके उनको बुलाया, और फिर वो लोग आए, क्या हो गया प्रिया जी, क्या हो गया. मैंने बोला तो मैं, तुम लोगों ने मेरा पैर तोड़ दिया, मैं एकदम इमोशनल हो गई, मतलब मैं भूल गई कि झगड़ा वगड़ा सब छोड़ो, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे जिंदा रहना है. अच्छा ये बताइए तो प्रिया जी, ये वही गाड़ी थी जिसने आपको, पहले तो ये बताइए गाड़ी कौन चला रहा था उस वक्त? ड्राइविंग सीट पर अश्वजीत था, और दूसरा क्या नहीं, वही गाड़ी ड्राइविंग थी जो सीट वापस पर आई थी? सर सागर था, सागर उसका जो ड्राइवर था वो था. हाँ, और उसके बाद गाड़ी सर, गाड़ी कौन सी आई मुझे वो याद नहीं है, बट एक्सीडेंट डिफेंडर से हुआ है. और मुझे यहाँ तक ये भी याद है कि मैं डिफेंडर में गई हूँ, जब मुझे लेके गया है ना तो उस हॉस्पिटल समय जब में, आपका और जिसने एक्सीडेंट मुझे किया, आपको डाला है. कुचला, उस समय डिफेंडर कौन चला रहा था? हाँ, और जब डिफेंडर से डिफेंडर से आपका एक्सीडेंट हुआ तो डिफेंडर चला कौन रहा था? सागर, सागर उसका जो ड्राइवर है वो ड्राइविंग सीट पे था, बाकी सब आगे पीछे बैठे थे. फिर उसके बाद वो मुझे वापस आए, तो वो लड़के ने बोला उठाओ उठाओ, 3-4 लोगों ने हेल्प करके मुझे गाड़ी में डाला. उसकी ना सारी गाड़ियां ब्लैक कलर की है सर, किया, डिफेंडर, स्कॉर्पियो, तो इतना मैं वो टाइम में कैसे रखूं. बट जहां तक मुझे, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी बात है, तो आपको हिट कोई गाड़ी की है तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया, इसलिए मुझे याद है, क्योंकि मैंने उसका टायर फील किया है, इतने बड़े बड़े टायर डिफेंडर्स के जो थे मैंने फील किया है, और मैं डिफेंडर में ही बैठी थी, मुझे वो याद है.
फिर मैं मुझे वो हॉस्पिटल लेके गए, तो वो हॉस्पिटल जाते वक्त मैं उनको बोल रही हूँ मुझे जुपिटर लेके जाओ, जुपिटर इज अ वेरी गुड एंड ग्रेट हॉस्पिटल इन थाने हियर। तो अश्वजीत के साथ कंटिन्यू कॉल पे थे वो उसके ड्राइवर, तो वो ओके बोला भाई इसको कुछ तो हो गया है करके, तो अश्वजीत ने बोला जुपिटर मत लेके जा, उधर कोई लोकल हॉस्पिटल था वहां लेकर जा। तो मतलब उसको ये रहा होगा मैं कि गई पुलिस को क्योंकि पता चल मैं, जाएगा एंड ऑल। हाँ सर यही रीजन था, बट मैं बोली जहां भी लेके जाओ लेके जाओ, मेरे पास आर्ग्यूमेंट करने की सिचुएशन में थी नहीं मैं, क्योंकि मेरे को सिर्फ चाहिए था मैं जिंदा रहूँ। तो मैं गई वो हॉस्पिटल में, फिर वहां पर मुझे डाला, फिर मेरा फोन वो नहीं दिया, मैं उनके उनके हाथ पैर छोड़ रही थी कि प्लीज मेरे घर पे कॉल करो, मम्मी को बुलाओ, मम्मी को बुलाओ प्लीज, तो नहीं कर रहा था। अरे प्रिया जी आप ठीक हो जाओगे? अरे ठीक है। फिर उसके बाद उसने बहुत कुछ, 5:30 अराउंड मेरी सिस्टर को कॉल किया, मेरी सिस्टर आई, उसको मेरा फोन और पर्स हैंड ओवर किया, फिर मेरी सिस्टर को सागर ने बोला कि देखो जो भी है हम देख लेंगे, अभी हो गया है तो क्या कर सकते हैं, ये सब करके कुछ मतलब नहीं है, आपको पता है भाई कितने वेल कनेक्टेड हैं, और जिसके हाथ में सत्ता है उनका ये सब कुछ ये सब होगा नहीं, तो जो भी हॉस्पिटल का रहेगा खर्चा वर्चा वो भाई सब देख लेंगे, टेंशन मत लो। मेरी बहन ने बोला, भगा दिया, मेरी बहन ने बोला हाथ खोला और बोला प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस दिस वॉज द स्टोरी ठीक है, सर। मैं समझ गया। अब मुझे बताइए कि आप इसमें फाइनली ये चाहते हैं कि 307 की धारा लगे और जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हाँ जी सर, यही तो कह रही हूँ मैं पिछले 11 दिन से। ठीक है प्रिया जी, आपने पूरी डिटेल में हमसे बात की। ऑब्वियसली आपकी पीड़ा बहुत ज्यादा है, आप जिस तरह से बता रही हैं, और आपको भगवान बिल्कुल सुरक्षित रखे, ठीक रखे। हम उम्मीद करते हैं आप जल्द से जल्द जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो, फिट एंड फाइन हो जाएं कुछ ही समय में। और इस समय देखिए कई लोग होंगे आपको समझा रहे होंगे, क्योंकि जो आपका दर्द है वो आप ही झेल रही हैं, आपको ही सबसे ज्यादा पता है कि कितनी पीड़ा है। लेकिन फिर भी एज अ जर्नलिस्ट, एज अ चैनल जो हम जिस चैनल पर क्राइम तक पर आपको दिखा रहे हैं, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और हमने आपको इसलिए आपकी बात यहां तक रखी ताकि जो और लोग हैं उनके सामने जो आपका बयान है वो सामने आ सके, और इस मामले में जो आपकी मांगे हैं वो सरकार तक पहुंच सके। हमसे आपने प्रिया जी बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं फोल्डिंग हैंड्स करके बोल रही हूँ, मैं बिलीव करती हूँ अभी भी मेरे इंडियन लॉ पे और मेरे गवर्नमेंट पे, बिलीव करती हूँ मेरे कॉप्स पे, सबसे बिलीव करती हूँ, आप लोगों पे भी बहुत बिलीव करती हूँ सर मैं, मुझे कोई कंप्लेन्स नहीं है, लेकिन सर प्लीज राइट नाउ एवरीबडी नोज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू एंड व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स, सो सर प्लीज अदरवाइज आई एम लूजिंग माई होप सर, आई डाई ऑन दिस बेड ओनली, नहीं, आप ऐसा मत हैव टू सोचिए, टेक केयर ऑफ बिल्कुल माई हम आपकी फैमिली बात जो है वो एंड आई एम रखेंगे वेरी प्रशासन तक, सर, और हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इस समय सिर्फ देखिए आप जजमेंट नेगेटिव चाहिए सोच मत नथिंग रखिए, क्योंकि ये एल्स। आपको हो सकता है कि पीड़ा दे। बिल्कुल पॉजिटिव रहने की जरूरत है, और उम्मीद यही करते हैं कि मुकदमा जो है वो जो आप जिन सेक्शंस पे कह रही है उनमें दर्ज होगा, जैसी आपकी मांग है। वही दूसरी तरफ इस मामले में सरकार जो है वो ठोस कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी हमसे थैंक बात करें। यू।